हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया हूँ विद्या गुरु से। आज एरर्स का एक सेशन। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब इसलिए करिए ताकि जो भी नए वीडियोस डालें वो आपके सामने आएंगे, आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, आपको पता चलेगा बच्चों कौन सा नया वीडियो डल रहा है। स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट एरर। किसी भी एरर के सेशन को लाइटली मत लीजिए, एरर्स आपके लिए हेल्पफुल होंगे ही होंगे इंग्लिश वाले सेक्शन के लिए। स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है इट वॉज मी हु टेलीफोन द पुलिस। यहां पर एक चीज है, जरा ध्यान से देखिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो शायद आपको नहीं आते होंगे क्योंकि थोड़े से अलग हैं आप लोगों के लिए। अगर इसको स्टार्ट करते हैं, एक क्वेश्चन जरा स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट वाला एक बात याद करिए। मूवीज देखते हैं आप लोग, इंग्लिश मूवीज देखते हैं या कोई भी मूवी देखते हैं, यूजुअली ऐसा होता है पीपल से इट्स मी, हूज देयर, इट्स मी। अब यहां पर यही गलती है। इट्स मी कहना क्या चाह रहा है बच्चों? इट्स मी को एक्सपैंड करिए। इट्स मी कहता है इट इज मी। क्या कहता है बच्चों? इट्स मी कहता है इट इज मी। तो इट इज मी है वो, लेकिन प्रॉब्लम वहां पर यह है कि इट्स मी नहीं होता है बच्चों। इट्स मी नहीं होता है, इट शुड बी इट्स आई। आपके लिए अलग है, मैं जानती हूं, मुझे पता है आपको बहुत जल्दी से ये आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, तो मैं ट्राई करती हूं धीरे धीरे करके आपको समझाने का। जरा एक बात सोचिए, एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। मैंने कहा हु इज योर फ्रेंड, आपने कहा बच्चों ही इज माई फ्रेंड। ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा हु इज योर फ्रेंड, आपने कहा शी इज माई फ्रेंड। तो ऑब्जर्व करिए कि मेरे हर हु से पूछे हुए क्वेश्चन का आंसर आप ही और शी में दे रहे हैं, हिम और हर में नहीं दे रहे हैं। बच्चों प्लीज थोड़ा ध्यान से। मैंने कहा अगर आपसे कोई पूछेगा हु इज योर फ्रेंड, तो मैंने कहा ही इज माई फ्रेंड या शी इज माई फ्रेंड। तो हमारे उस हु से पूछे गए क्वेश्चन का आंसर या तो ही में आ रहा है या तो शी में आ रहा है, हिम और हर में नहीं आ रहा है। इसका मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं कि बच्चों हु से पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर सब्जेक्ट में आता है। इससे हमें एक बात पता चलती है कि हु सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस है, और हु से पूछे गए हर क्वेश्चन का आंसर सब्जेक्ट में ही आना चाहिए। ये डिटेल है थोड़ा, इसके बारे में आपको ना आगे पीछे का बताने की कोशिश कर रही हूं, प्लीज सुनिए। अब इससे क्वेश्चन बनाते हैं, सुनिएगा जरा। मेरे घर के दरवाजे पर कोई नॉक कर रहा था। आई आस्क द क्वेश्चन हु वॉज देयर या हुज देयर, कुछ भी ऐसा। मैंने कहा हुज देयर, तो उसने कहा, जब आंसर आया हुज देयर या हु वॉज देयर, बच्चों बात सुनिए, क्वेश्चन जब हु से पूछा जा रहा है तो मैं आंसर क्या दूंगी, आई एम देयर या आई वॉज देयर। मैंने क्या कहा, आई एम देयर या आई वॉज देयर। यहां पर बात यह चल रही है हु से पूछे गए क्वेश्चन का आंसर। मैंने ये नहीं कहा कि मी, मैंने कहा आई एम देयर, आई वॉज देयर। इसका मतलब हु का आंसर आई में आ रहा है, उसी का आंसर पलट देते हैं। हु वॉज नॉकिंग एट द डोर, इट वॉज आई, इट वॉज मी नहीं। नॉक करने वाला काम कर रहा था, काम करने वाला सब्जेक्ट होता है, मैं आपको पढ़ा रही हूं, मैं सब्जेक्ट हूं बिकॉज आई एम डूइंग द एक्शन, आई एम द डूअर ऑफ द एक्शन। बिल्कुल वैसे ही मैंने क्या कहा, नॉक करने वाला सब्जेक्ट होता है, तो वो आना सब्जेक्टिव केस में ही चाहिए था। नहीं याद रहेगा कोई बात नहीं, बस इतना ध्यान रखिए मैंने आपको क्या कहा, इन सेंटेंसेस को हु से क्वेश्चन पूछ के आंसर करने की कोशिश करिए। जब ये हु से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आंसर हमेशा सब्जेक्ट में दिए जाएंगे। इट वॉज आई, इट वॉज शी, इट वॉज ही। अब छोड़िए मेरी सारी बातें, छोड़िए जरा एक बार ये देखिए, क्वेश्चन बनाइए और पढ़िए। कहता है हु टेलीफोन द पुलिस, हु टेलीफोन द पुलिस, तो मैं काम करने वाली हूं, आई टेलीफोन द पुलिस। डोंट रीड दिस पार्ट, मैंने कहा बच्चों हु टेलीफोन द पुलिस, आई टेलीफोन द पुलिस। दैट मीन्स अब आंसर आपको खुद से समझ में आएगा कि वो क्वेश्चन हु से बना था, हु सब्जेक्ट होता है, इसीलिए उसका आंसर भी सब्जेक्ट में आता है। कहानी खत्म, इट वॉज आई। और अगर किसी को कुछ नहीं समझ आया कोई बात नहीं बच्चों, बस इतना याद रख लीजिए, जब इट क्लॉज आ रहा है इट के बाद आप सब्जेक्ट में, जैसे इट वॉज आई, इट वॉज शी, ऐसे लिखा जाएगा। एक सेंटेंस आपके लिए जल्दी से, मैंने कहा इट वॉज शी एट द विंडो या इट वॉज हर एट द विंडो, इट वॉज शी एट द विंडो या इट वॉज हर एट द विंडो। बच्चे अच्छे से हर जचा लेते हैं लेकिन हर आएगा नहीं। बच्चों हमने क्वेश्चन पूछा हु वॉज एट द विंडो,
शी वॉज एट द विंडो, तो हु वॉज एट द विंडो, शी वॉज एट द विंडो, इसीलिए आंसर था इट वॉज शी एट द विंडो। आप बस इतना याद रखिए, इट आ रहा है ऐसे सेंटेंसेस के अंदर, इट वॉज आई होता है, इट्स मी नहीं है, एक्चुअल में ओवर करेक्ट चीज इट वॉज आई है, इट्स मी रादर इट्स आई होना चाहिए, क्या होना चाहिए था, इट्स आई। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, नो अदर न्यूज पेपर हैज सो लार्ज सर्कुलेशन लाइक दिस न्यूज पेपर इन इंडिया। बात क्या चल रही है जरा देखिए, एरर शायद आप निकाल पाए, थोड़ा सा अलग है ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए शायद। बच्चों कोरिलेटिव कंजंक्शंस याद होंगे, कंजंक्शन में जंक्ट वर्ड आता है, जंक्ट का मतलब जोड़ना होता है, कोरिलेटिव एक दूसरे से रिलेटेड है, ऐसे कंजंक्शंस जो एक दूसरे के साथ लिख के जाते हैं हम उनको कोरिलेटिव कंजंक्शंस कहते हैं। बच्चों मैंने कहा नीदर के साथ नॉर आता है, इधर के साथ और आता है, नॉट ओनली के साथ बट थोड़ा आता है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो ही आता है, बोथ के साथ एंड ही आता है, ये वो थे जो आप जानते हैं, मैंने जानबूझ के उन्हीं को रिलेट किया, मैंने कहा नीदर के साथ नॉर, इधर के साथ और, बच्चों बोथ के साथ एंड, बिल्कुल वैसे ही यहां पर सो के साथ लाइक नहीं है, कोरिलेटिव कंजंक्शन में सो के साथ एज लगना चाहिए, याद करिए, इससे आपको थोड़े दिन के बाद ये चीज स्ट्राइक करेगी एरर्स के अंदर। बच्चों को बहुत ज्यादा गलती इस पार्ट में नहीं लगती, गलती बता नहीं पाते कि क्या आएगा, सो के साथ एज आता है, जोड़ा किसका है बच्चों, सो और एज का। अब पढ़िए जरा करेक्ट क्या है, करेक्ट सेंटेंस, नो अदर न्यूज़पेपर हैज सो लार्ज सर्कुलेशन एज दिस न्यूज़पेपर इन इंडिया। याद रखेंगे सो के साथ एज, इट वॉज आई। नेक्स्ट, द चाइल्ड वॉज रन ओवर विद प्राइवेट बस। स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर बच्चों पैसिव वॉइस वाला है, कैसे पता चला, दो सेंटेंसेस हैं छोटे से, I informed, I was informed. मैंने कहा बच्चों I informed, I was informed. आप पहचान पा रहे हैं बच्चों कि I was informed में was informed वाला जो structure है ना वो passive voice है। नहीं समझ आता कोई बात नहीं, A car hit me, I was hit by a car. A car hit me, a car hit me, I was hit by a car. अब यहां पर ये देखिए, यही तो है, आई वॉज हिट बाय मिसिंग है ना, आई वॉज हिट बाय अ कार, तो यहां पर बच्चों द चाइल्ड वॉज रन ओवर विद अ प्राइवेट बस, नहीं बाय अ प्राइवेट बस। एक्चुअल में बच्चों पैसिव वॉइस के अंदर बाय जो है वो दिखाता है एक्शन डन, बाय क्या दिखाता है एक्शन डन, तो बाय यूज किया जाता है एक्शन डन के लिए पैसिव वॉइस के अंदर। एज दिस सेंटेंस वॉज रिटन इन दी पैसिव वॉइस, हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, बाय का इस्तेमाल करेंगे ना कि विद का। दोबारा सुनिए, वॉज रन लिखा था, द क्रिमिनल वॉज अरेस्टेड, अ कार हिट मी, आई वॉज हिट बाय अ कार, आई वॉज इनफॉर्म्ड। तो ये स्ट्रक्चर आपको जानबूझ के बताना चाह रही थी कि ये पैसिव वॉइस वाला स्ट्रक्चर था, कि बच्चे को किसी चीज ने हिट किया है, रन ओवर किया, तो हमने कहा करने वाला जो था वो बाद में लिखा था, सब्जेक्ट जो था वो पीछे चला गया था, और जब सब्जेक्ट पीछे जाता है तो हम ज्यादातर हम क्या कहते हैं, बच्चों को स्टार्ट ऐसे ही करके पढ़ाते हैं कि सब्जेक्ट पीछे चला जाता है बच्चों, ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है और सब्जेक्ट पीछे जाता है बाय लगा के। पैसिव वॉइस था, एक्शन डन दिखाते हैं पैसिव वॉइस में बाय लगा के, कि किसने एक्शन किया है वो बाय लगा के दिखाया जा रहा है, इसीलिए हमने वहां पर बाय लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंक्रीजिंग मैकेनाइजेशन ऑफ लाइफ हैव लेड अस फर्दर अवे फ्रॉम डेली कॉन्टैक्ट विद नेचर। ध्यान से सुनिए, द इंक्रीजिंग मैकेनाइजेशन ऑफ लाइफ हैव लेड अस फर्दर अवे फ्रॉम डेली कॉन्टैक्ट विद नेचर। बच्चों एक चीज जरा ध्यान से देखिए, क्या ये सब्जेक्ट है, लेड अस, व्हाट लेड अस, द इंक्रीजिंग मैकेनाइजेशन लेड अस, तो ये देखिए कि ये सिंगुलर है, ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है, मैकेनाइजेशन, द इंक्रीजिंग मैकेनाइजेशन ऑफ लाइफ, द इंक्रीजिंग मैकेनाइजेशन सिंगुलर टर्म है, प्लूरल नहीं है बच्चों। अगर सिंगुलर है तो यहां पर हैव नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा, यहां पर हैज आएगा, क्या आएगा बच्चों, यहां पर हैज आएगा।
तो ऐसे वाले क्वेश्चंस काफी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं जिनके अंदर ना ज्यादातर सब्जेक्ट के साथ वर्ब लगाना होता है, और वो वर्ब बहुत आसान होता है अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो. द इंक्रीजिंग मैकेनाइजेशन ऑफ लाइफ हैज, क्योंकि यहां पर इंक्रीजिंग मैकेनाइजेशन इज अ सिंगुलर टर्म, इसीलिए वर्ब भी कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ईच बॉय एंड गर्ल इन द क्लास ब्रिंग अ टेक्स्ट बुक डेली, ये आपको हम श्योर आता होगा. बस इतना, यहां पर जो ईच बॉय और गर्ल लिखा है, इनके पहले जब ये वर्ड आया ना ईच, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. ईच एक इनडेफिनेट प्रोनाउन है. ईच क्या है बच्चों? इनडेफिनेट प्रोनाउन है, मतलब जिसमें हम किसी के बारे में बात डेफिनेटली नहीं करते. तो ईच सिंगुलर होता है, ये हम सब जानते हैं. अगर बच्चों सिंगुलर है, आगे बॉय एंड गर्ल लिखा, आपको लग रहा है दो सब्जेक्ट्स लिख दिए तो ये प्लूरल हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आप सब्जेक्ट्स दो ये आगे और बढ़ा दीजिए सब्जेक्ट्स, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ईच लिखा है, ईच सिंगुलर है, इसीलिए हमें इनको सिंगुलर मानना पड़ेगा. सब्जेक्ट को सिंगुलर मान करके बच्चों वर्ब कैसा लगाना पड़ेगा? वर्ब लगाना पड़ेगा सिंगुलर. तो ईच बॉय एंड गर्ल इन द क्लास ब्रिंग्स टेक्स्ट बुक डेली, याद रखिएगा ईच सिंगुलर है, आगे सब्जेक्ट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. मैंने कहा ईच इज अ सिंगुलर टर्म, हम इसके बाद सिंगुलर वर्ब ही लगाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, वी वेंट विद गुप्तास टू वॉच अ मूवी कॉल्ड इन्फर्नो. बच्चों यहां पर वी वेंट विद गुप्तास टू वॉच, मेरे को यूजुअली बच्चे ऐसे नहीं मिलते हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर बता पाए जल्दी से. आपको याद ये रखना है, जब आपके टाइटल का, जब आपके सरनेम का प्लूरल किया जा रहा है तो उसके पहले द लगाया जाएगा. कहना हम ये चाह रहे हैं द ग्रोवर्स होता है, अपोस्ट्रोफी एस की बात नहीं कर रही हूं मैं, कि अगर आप सोच रहे हैं ग्रोवर के बाद अपोस्ट्रोफी एस लगाया है, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है. बच्चों बिना अपोस्ट्रोफी के जब ग्रोवर्स प्लूरल किया जा रहा है, कालराज प्लूरल किया जा रहा है, सेठीज प्लूरल किया जा रहा है, तो हम उसके पहले द लगा रहे. तो वी वेंट विद द गुप्तास, क्योंकि सरनेम से क्या करा है, प्लूरल करा है. जब आपके सरनेम से, आपके टाइटल से प्लूरल किया जाएगा तो उसके पहले क्या लगाया जाएगा, द. तो द कालराज, द ग्रोवर्स, द मल्होत्रास, याद रखिएगा. ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है आप लोगों के लिए. नेक्स्ट बच्चों, 2 lakh पीपल हैव अटेंडेड द एग्जीबिशन हेल्ड इन गुजरात. याद ये रखिएगा, यहां पर बात क्या चल रही है, बात ये चल रही है कि नाउन और एडजेक्टिव है. क्या है? नाउन और एडजेक्टिव है. और नाउन और एडजेक्टिव में ये देखिए, अब मैं ये नहीं जानती आप नाउन और एडजेक्टिव जानते हैं या नहीं. नाउन नाम होता है और एडजेक्टिव उसके बारे में, उस नाउन के बारे में बताने वाला होता है. मैंने कहा ब्यूटिफुल गर्ल, इधर रख के जानबूझ के बताती हूं. गर्ल बच्चों नाउन है, ब्यूटिफुल एडजेक्टिव है, गर्ल नाउन है, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है. मैंने कहा गर्ल नाउन है, क्लेवर एडजेक्टिव है. तो क्लेवर गर्ल, सेल्फिश गर्ल, ब्यूटिफुल गर्ल, इंटेलिजेंट गर्ल, तो गर्ल किसी का नाम है, नाम है तो नाउन है. वैसे ही पीपल, हम किसको, लोगों को कह के बुला रहे हैं, ये उनका नाम है पीपल, तो ये नाउन है. नाउन के पहले बच्चों एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव जो नाउन के बारे में बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, मॉडिफाई करते हैं. तो मैंने कहा नाउन के बारे में बताने वाले एडजेक्टिव. रूल ये था बच्चों कि एडजेक्टिव सिंगुलर होते हैं. एडजेक्टिव क्या होते हैं बच्चों? सिंगुलर होते हैं. कभी आपने ब्यूटिफुल गर्ल्स को ना सुना है? आपने ब्यूटिफुल गर्ल्स सुना है, आपने क्लेवर गर्ल्स थोड़ा सुना है, आपने क्लेवर गर्ल सुना है. तो मेजरली, मेजरली का मतलब समझिए, मैंने ये नहीं कहा पूरे तौर पे, मैंने कहा मैक्सिमम आपको एडजेक्टिव्स क्या मिलेंगे, सिंगुलर मिलेंगे. और जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही आएगा कि नाउन के आगे एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव आपको पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव सिंगुलर होते हैं. आपको इतना ही याद रखना है. 2 lakh पीपल हैव अटेंडेड द एग्जीबिशन हेल्ड इन गुजरात. नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा एक क्वेश्चन था बैंक के पेपर में, बैंक पीओ था शायद, बैंक पीओ के पेपर में लिखा हुआ था आई पार्टिसिपेटेड इन द 2 miles रेस. ध्यान से देखिए, गलती नहीं बता पाते बच्चे. आई पार्टिसिपेटेड इन द 2 miles रेस. रेस नाउन था, माइल एडजेक्टिव था, तो 2 miles नहीं होना चाहिए था, 2 mile रेस होना चाहिए था. आई पार्टिसिपेटेड इन द 2 mile रेस, ध्यान रखिएगा बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू हैव अ वे विद वर्ड्स, यू आर गुड एट वर्ड्स, दैट मीन्स अ गुड सेंस ऑफ डिजाइन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी, यू मे एंजॉय वर्किंग विद अस.
क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़िए, सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है। बच्चों यहां पर भी मैं जल्दी से रैप अप करना चाहती हूं, पहले एक बार आप पढ़ लीजिए सेंटेंस क्या कह रहा है। ध्यान बस इतना रखिए कि नाउन के आगे एडजेक्टिव आता है नाउन के बारे में बताने के लिए। नाउन के आगे क्या आता है? एडजेक्टिव आता है। जैसे पीपल के बारे में 2 लाख ने बताया था, गर्ल के बारे में ब्यूटीफुल ने बताया था, स्पेशियस रूम में, रूम के बारे में स्पेशियस ने बताया था, बिल्कुल वैसे ही यहां पर देखिए। गुड सेंस में सेंस क्या है? नाउन है। गुड क्या है बच्चों? एडजेक्टिव है। गुड गर्ल, गुड बॉय, तो बॉय नाउन, गुड क्या था? एडजेक्टिव था। यहां पर हम ना एक कॉमन स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, आप और भी देख पाएंगे। मैंने कहा नाउन के बारे में बताने के लिए नाउन के आगे जब एडजेक्टिव लगता है तो एबिलिटी बच्चों नाउन है। एबिलिटी क्या है? नाउन है। और अगर आपको पता हो ये जो टी आई ओ एन वाले वर्ड्स हैं, मेजरली ऐसे ही बच्चों को पढ़ा दिया जाता है कि एजुकेशन क्या है, ये नाउन है, क्योंकि ये जो टी आई ओ एन होता है ये नाउन है। तो बच्चों यहां पर प्रॉब्लम ये है कि नाउन के आगे हमें क्या लगाना चाहिए था? एडजेक्टिव। लेकिन नाउन के आगे वहां क्या लगा है? नाउन, जबकि आना क्या चाहिए था? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव है एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी। इफ यू हैव अ वे विद वर्ड्स, दैट मींस यू आर गुड एट वर्ड्स, अ गुड सेंस ऑफ डिजाइन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी, यू मे एंजॉय वर्किंग विद अस। नाउन के आगे बच्चों एडजेक्टिव्स आते हैं। एडजेक्टिव्स सिंगुलर होते हैं, वो मैंने यहां पर बताया। नाउन के आगे एडजेक्टिव आते हैं, तो एबिलिटी नाउन के आगे मैंने वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव क्या लगाया? एडमिनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव लगाया। अभी बच्चों रैप अप कर रहे हैं, अगर कुछ नहीं समझ आया होगा वीडियो प्लीज दोबारा देखिएगा।